हाय गाइस, दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब कल के डेट में यार क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, आज मैं क्लियर कट आप लोगों के सामने ये पेश करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को आप कंसिडर कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं कल के लिए। सो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी और दोस्तों मैं चाहूंगा यार कि इस वीडियो पे मेरे को मैक्सिमम लाइक दीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, मेरे को पता है आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। दोस्तों इस वीडियो पे मेरे को मोर देन 100 प्लस कमेंट चाहिए और मोर देन 1000 लाइक चाहिए। मेरे को पता है हमारी पीटीएस ट्रेडिंग सर्विसेज की फैमिली ये कंप्लीट जरूर करेगी। इसी के साथ मैं तीन आपके लिए जबरदस्त स्टॉक लाया हूं जो कि आपको कल मोमेंटम दिखा सकते हैं, मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। सो मजा आएगा वीडियो में। और आपको तो पता है कि हमने आप सभी के लिए टेलीग्राम पे निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड देना स्टार्ट कर दिया, देखा होगा आप लोगों ने पुट ऑप्शन दिया था 600 के आसपास का, जबरदस्त भागा। ये मैं आपको बता रहा हूं कहीं और नहीं मिलेगा, तो देर मत करो जाके जुड़ जाओ। और दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गाइस आइए हम देखते हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं कल के लिए। तो देखिए मैं बैंक निफ्टी के ना 10 मिनट के चार्ट पे आ चुका हूं। अब यहां पे हम थोड़ा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया था कि उछाल में आपको मार्केट को बेचना है और मार्केट गिरा भी, ठीक है, बड़ा पैनिक के साथ। तो मार्केट अब किस लो के आसपास आ रहा है, नवंबर के लो के आसपास आ रहा है, यानी 29 नवंबर के लो के आसपास आ रहा है, ठीक है। और काइंड ऑफ यहाँ पे फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और ये तीसरा बॉटम लगाने जा रहा है। नाउ देखो आपके यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी है, अगर गैप अप खुलेगा तो सेल करके चलेंगे, वहाँ क्या देख के, बियरिश हैमर देख के। मेरी बात समझ रहे हैं, बियरिश हैमर देख के। बियरिश अगर हैमर बनेगा तो ऊपर आप रखिएगा एसएल, बियरिश हैमर का टॉप कैसल रखिएगा, शॉर्ट मार के चलिएगा। या तो सेकंड स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्रीवियस डे का, अगर प्रीवियस डे का लो टूटेगा तो भी हम सेल करके चलेंगे, ठीक है। ये दो स्ट्रैटेजी होगी हमारी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं 10 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे। नाउ इट इज गाइस, अब चूंकि मार्केट बहुत गिरा है तो इकट्ठे नीचे नहीं जाएगा, हम एक वही तो काम करके चलेंगे, उछाल मिलेगा अगर गैप अप किसी वजह से देखने को मिलता है यहां तक या यहां तक, हम आराम से सेल करके चलेंगे। सेल कहां से, किसके नीचे से अपना हम सेल करके चलेंगे, 36,000 के जब तक लगातार नीचे रहता है तो, ठीक है। और दोस्तों अलोंग विद दिस हमारा एक और लेवल है 36,500 का, क्योंकि देखिए 36,500 एक क्रिटिकल सपोर्ट था, ये भी टूटा है, ठीक है। तो हमको जब भी उछाल मिलता है हम थोड़ा भी सेलिंग के साइड हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये तो हो गया पहला रणनीति, मैंने आपको समझा दिया। सेकंड रणनीति यही है कि अगर डे लो टूटता, अब देखो डे लो कितना है, डे लो है आपका 35,500। अब सुनिए, अब अगर मंडे के डेट में 35,500 का लेवल के नीचे सस्टेन करता 10 से 15 मिनट, ठीक है, 10 मिनट या सस्टेन करता है 15 मिनट, तो वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे, ठीक है। 70 पॉइंट्स के एसएल के साथ टारगेट वन होगा 35,300, टारगेट सेकंड वुड बी 35,200 एंड टारगेट थर्ड हो जाएगा 35,100 का। ये तीन टारगेट आपको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। अगर ये टूटा ना तो मैं ध्यान रखूंगा 35,600 के पुट ऑप्शन पे बैंक निफ्टी के, ठीक है। आप जरूर आप दोस्तों ध्यान रखिएगा इस पुट ऑप्शन पे, और मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताने वाला हूं, ठीक है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, आप जल्दी करिए यार, लेट मत करो, जाके जुड़ो, क्योंकि यहां पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली ट्रेड देते रहते हैं। हमने आपको 36,500 का पुट ऑप्शन दिया था, कब, फ्राइडे के सेशन में, तगड़ा भागा, ठीक है। तो ये रणनीति हमारा बैंक निफ्टी में, ठीक है। देखो अगर मैं आपको डेली के चार्ट दिखाऊं ना भाई, देखो डेली के चार्ट पे लगा इतना बड़ा कैंडल बना है तो काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट कर सकता है, बट यस दो रणनीति मैंने आपको समझा दिया है। हाँ एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट का चांसेस हैं, ठीक है, बट वहां भी देखो क्या होगा, मार्केट अगर पॉजिटिव खुल गया तो पीपल आर टू मच इन बियरिश मूड कि लोग अपना पैसा सेव करेंगे, बेच के निकलेंगे ऊपर, ठीक है। तो हमको ना हर उछाल में काइंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, ये रणनीति है। बाकी देखो अगर ये लेवल टूट गया, अगर 35,500 का लेवल टूट गया तो आपको 35,000
के लेवल और 34,900-800 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी में। पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट लेवल है, जानते हैं निफ्टी का व्यू। देखो भाई अब निफ्टी क्या है, निफ्टी भी आप लोग एक ध्यान दे रहे सिमिलर पैटर्न, सेम पैटर्न अपना अब लगभग 29 नवंबर के लो के आसपास आ गया है, पहला लो, दूसरा लो और ये तीसरा लो, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अब यहां भी सेम रणनीति है दोस्तों, अगर किसी वजह से गैप अप खुलता है, सी मार्केट इज नॉट इन दैट सिचुएशन जहां पे आप गैप अप को बाय करके चलेंगे, वहां पे आप सेल करके चलेंगे गैप अप को, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अगर पीडीएल प्रीवियस डे लो टूटता है तो भी आप सेल करके चलेंगे, ठीक है। हाँ काइंड ऑफ थर्ड हो सकता है कि भाई देखो हल्का फुल्का ना रेंज बना दे, ठीक है, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन कर दे, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलो अब हम थोड़ा चलते हैं 10 मिनट के चार्ट पे। नाउ लुक एट वेरी क्लोजली गाइस, अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे मार्केट गिरा है, अब मार्केट को हमको सेल करके चलना है, या तो मार्केट हमको उछाल दे, उछाल कहां तक तो देख सकता है 17,100 तक या तो 17,200 तक, ठीक है, क्योंकि देखो हर्डल है, ये भी आपका हर्डल है, यहां भी टूट के पैनिक गिरा था, अब ये जो हर्डल, ये जो टॉप बना है, ये भी आपका हर्डल बन गया, 17,100 हर्डल, 17,200 हर्डल। तो यहां कहीं भी आपको बैंक निफ्टी अगर उछाल गैप अप देखने को मिलता है आप बेच के चलिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है, यहां पे अपना वही बेयरिश हैमर आप देख के चलिएगा, उसके ऊपर रखिएगा एसएल और नीचे अपना टारगेट रख लीजिएगा, ठीक है, ये रणनीति है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनिए, अब अगर क्या होता है प्रीवियस डे लो टूटता है, प्रीवियस डे लो कितना है 16,965 का, ठीक है, 16,965 का, अगर लेवल सस्टेन होते हुए दिखता है 15 मिनट के नीचे हम शॉर्ट मार के चलेंगे, 30 पॉइंट्स के एसएल के साथ, टारगेट वन होगा 16,900 का, देन सेकंड टारगेट होगा 16,850, थर्ड टारगेट होगा 16,800 का। ये तीन टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे इंट्राडे में, अगर ये लेवल टूटा तो। देखो बेसिकली कर क्या रहा है मार्केट, तो समझो ये रेंज बना के नीचे जा रहा है, ठीक है, अभी ये रेंज बनाया है, ये लो तोड़ेगा बूम नीचे जाएगा, यहां तक के टारगेट आराम से हमको देखने को मिल सकते हैं फॉर श्योर। यहां मैं ध्यान रखूंगा 17,000 के पुट ऑप्शन पे, 17,000 के पुट ऑप्शन पे या 17,100 के पुट ऑप्शन पे मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है दोस्तों। ये है रणनीति निफ्टी में मेरी। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को हम जान चुके हैं। देखो शॉर्ट कवरिंग ना, शॉर्ट कवरिंग ऐसे नहीं आएगी, शॉर्ट कवरिंग अगर आनी होगी तो मॉर्निंग में आएगी, ठीक है, हाँ उसके बाद है ना प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखो अभी भी अभी मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है किसी रीजन से तो बाद में ना प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आप उतना कंफर्म मत समझिए उस शॉर्ट कवरिंग को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यस मार्केट थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड में है हाल फिलहाल, चूंकि देखिए ओमिक्रॉन के भी केसेस हैं, बढ़ रहे हैं, कर्नाटका में 16 केसेस बढ़ चुके हैं और थोड़ा सा फियर फैक्टर है। यूएस में आईटी इंडेक्स जो है बहुत गिर रहा है, जो नेस्डेक है बहुत गिर रहा है, इसीलिए हमारे इंडियन मार्केट में भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो वी नीड टू बी कॉशियस, हमको सेटअप मिलेगा तभी हमको उसको बेच के चलना है, मैंने आपको परफेक्ट बता दिया है और आई होप आप इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करके चलेंगे। दोस्तों पहला स्टॉक जानते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी, सेल करके चलना है। बेसिकली क्या है, देखो ये क्या कहते हैं रेंज था, टूट चुका है, ठीक है। नाउ वी कैन यूज वन थियोरी, वन स्ट्रैटेजी विच इज वेरी मच फेमस, वो है प्रीवियस डे लो, ठीक है। देखो भाई एक तो हमारा ये टूट चुका है, ये वाला रेंज टूट चुका है, ठीक है, अब एक रेंज बना दिया, अब ये रेंज टूटता है यानी ये है 1875, ठीक है, तो सेल बिलो 1875, स्टॉप लॉस वुड बी 85 का, टारगेट वन होगा आपका 1860, टारगेट सेकंड 1850, ये दो टारगेट के लिए आप ध्यान रखिएगा गोदरेज प्रॉपर्टी में। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जाने उससे पहले, हाय गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं तो आपको एक बात तो जरूर पता लग गया होगा कि भाई केवल टेक्निकल जान लेने से स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। अगर आप ट्रेड लेने के बाद बीच में डर के मारे निकल जाते हैं और बाद में आपका स्टॉक टारगेट अचीव करता है, आप स्टॉक लेते तो हैं बट एक्चुअल में निकलना कहाँ है, क्या उसका एग्जिट पॉइंट होगा, आपको ये अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको जरूरत है मार्केट सीखने की पहले। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारा ऑनलाइन स्टॉक मार्केट कोर्स जो की स्टार्ट होने जा रहा है 25th of December को। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बेसिक टू एडवांस आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज देने वाले हैं। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपना करियर बिल्डअप करना है
सो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस दिए हुए नंबर पे हमारी हाईली क्वालिफाइड टीम को कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा MGL। MGL को शॉर्ट करके चलना है। वन डे के चार्ट पे देख सकते हैं आप, बार बार रेंज बना बना के नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हमको बेच के चलना है, राइट। फ्रेश ब्रेकडाउन हो चुका है, तो अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं, क्लियर कट आप देख सकते हैं, एक रेंज बना दिया है, बॉक्स पैटर्न फॉर्म हो चुका है। देखिए यही सब चीजें मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। और 870 के नीचे बेच के चलना है, ठीक है। सो सेल बिलो 870, ठीक है। स्टॉप लॉस वुड बी 875 का, टारगेट वन होगा 860, टारगेट सेकेंड वुड बी 855 का। ये दो टारगेट होंगे दोस्तों। लास्ट स्टॉक जाने उससे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। दोस्तों हमने आपको बेस्ट ट्रेड दिए थे लास्ट फ्राइडे के सेशन में। हमने आपको बैंक निफ्टी का 36,500 का पुट ऑप्शन दिया था, 650 के आसपास उसने 800-850 का हाई लगाया। देखो मैं कह रहा हूं, हमसे बेस्ट कोई और नहीं दे रहा है आपको, हम डेली बेसिस पे आपको ट्रेड दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सब लेना है, आप टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हम आपको कैश का भी ट्रेड दे रहे हैं। हमने आपको टाइटन का ट्रेड दिया था जिसमें आपको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। देखो मैं आपको दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप हमारी एक्यूरेसी देखिए, सबसे बेस्ट है। इसीलिए कहता हूं भाई, आप लर्निंग करो, ठीक है, सीखोगे तभी आप आगे चलोगे। आप दूसरों की टिप्स पे मत पलो, पहली बात, ठीक है, कि भैया दूसरा बंदा देगा तो आप काम करके चलोगे, राइट। तो आप मेरे भरोसे बैठे हो कि मैं आपको ट्रेड दूंगा तो आप काम करके चलोगे, ऐसा मत आप करो, आपका लाइफ बहुत खराब हो जाएगा। अपने बलबूते पे खड़े हो जाओ यार, कुछ सीखो। हमारा ऑप्शन बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है 21 को, और हमारा 25 दिसंबर को क्रिसमस को हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी जाओ, जुड़ जाओ और सीखो, अपनी लाइफ को सफल बनाओ। जो चीज की आप लोग तलाश कर रहे हो हमारे पास है। बुक योर सीट राइट नाउ। लास्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक, बेच के चलना है। देखो एक्सिस बैंक में हुआ क्या है, ये रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है, देख पा रहे हैं, ये रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है। नाउ वी हैव टू गो फॉर शॉर्ट, ठीक है। तो देखो 10 मिनट के चार्ट पे हमको बेच के चलना है। ये रेंज देखो बनाया था, ये रेंज टूट चुका था, ठीक है, टूटने के बाद नीचे गया था। अब देखो क्या करके चलना है हमको, इसको बेच के चलना है किसके नीचे, इस रेजिस्टेंस के नीचे जब तक रहता है। ये देखो डबल टॉप है, अभी ट्रिपल टॉप, ठीक है। तो हमको इसको बेच के चलना है 695, सेल बिलो 695, स्टॉप लॉस वुड बी 699 का। दोस्तों टारगेट वन टारगेट टू क्या हो सकता है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और दोस्तों मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आप हमारी वीडियोस पे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो पे दोस्तों बहुत सारे लवली कमेंट आए हैं, आप सभी को बहुत ज्यादा धन्यवाद। मैं चाहूंगा इसी प्रकार से आप हमको आगे बढ़ाते रहिए, हमारी फैमिली जल्द से जल्द 1.5 लाख सब्सक्राइबर की हो जाए। थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों हमारी वीडियो में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जेन्युइनिटी दिखी है, मजा आया है, इन्फॉर्मेशन मिला है, लाइक ठोक दो भाई, लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हमको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।